देख रहे हैं वाराणसी पब्लिक न्यूज। मैं सुषमा सिंह। अभिषेक मिश्रा जी और के साथ आप सबको रिपोर्ट करिए कि ये करना पूछिए मत। अभिषेक मिश्रा के साथ और कौन लोगों को लगाया अभिषेक जी के साथ? कह लो ये अपनी टीम में तो लग जाए। चार लोग आपको चाहिए वहाँ के सारे कमरों के बेडशीट बदले जाएंगे। ठीक है, वो बेडशीट आप मैं से संपर्क कर लेंगे, नंबर लेंगे, अगर उनके कमरे ठीक होंगे एक बार शासन से सैनिटाइज करवा देंगे, उनका कमरा अगर ठीक होगा तो वह यूज करेंगे। बाथरूम में साबुन है, खैर मैनेजमेंट लिहाजा वहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, अध्यक्ष उपस्थित है, कोई गड़बड़ी नहीं होगी। आर्मी वाले इंटरलॉक कर रहा होता है एक बार कर देंगे तो अच्छा होने यहाँ सब जगह ये जो कंबल साबुन शैम्पू तेल की बात है ये वहाँ टीम मैनेजर के साथ बैठे आप बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। आप उनको बता दीजिए, हम लोग चले जाएंगे। सर आज पत्रकार वार्ता करने का क्या उद्देश्य था? जी, अखिल भारतीय संस्मृति की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जी 2 और 3 तारीख को यहाँ पर हो रही है, जिसमें देश के बड़े बड़े संतों का काशी में आगमन हो रहा है। जगत गुरु शंकराचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, सभी आचार्यों का आगमन हो रहा है, महामंडलेश्वरों का आगमन हो रहा है और कई बिंदुओं पर चर्चा होगी, जैसे कि राम मंदिर भव्य निर्माण जो होने जा रहा है उसके लिए जन सहभागिता, सबका अंश राम मंदिर में लगने के लिए चर्चा होगी कि कैसे कैसे गांव-गांव तक एक एक व्यक्ति से संपर्क किया जाए और सबसे उसमें सहयोगी की दृष्टि से कुछ अंश लगवाया जाए। जितने हमारे कथाकार हैं, वक्ता लोग हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा कि आप कथाओं के माध्यम से इसको आगे बढ़ाएँ। भारत और नेपाल की जो कटता है उस पर भी चर्चा होगी कि हम संत लोग आपस में बैठ करके कैसे कैसे इस कट्टा को ख़त्म करें, लव जिहाद जो फैल रहा है उसको ख़त्म करने के लिए चर्चाएं होंगी। तो इस बिंदुओं पर काफ़ी और भी चर्चाएं हैं जिस पर हमारे सभी राष्ट्रीय पूज्य सभी संत महामंडलेश्वर जब पधारेंगे और 2 दिन यहाँ पर वार्ता होगी, उस पर जो निकल कर आएगा वो आप सभी को बताया जाएगा, उसी लिए आज है विश्ववार्ता। सर बात किया जाए तो काशी जो है पौराणिक दृष्टि से जो है यहाँ की सांस्कृतिक देश की सांस्कृतिक राजधानी रही है और इस देश के ऊपर जब भी आर्थिक संकट राजनीतिक संकट जो भी है काशी ने एक नया मार्गदर्शन दिखाने का काम किया है, उसमें मुख्य बिंदु क्या रहेगा आगामी जो होने वाली बैठक है अपना इस तरह का? जैसा कि मैंने कहा कि काशी अति प्राचीन हमारा पुरी है जी, बाबा विश्वनाथ जी की पावन नगरी है जो कि तीनों लोक से अलग है, त्रिशूल में बसी हुई काशी है और यहाँ की आवाज़ पूरा विश्व सुनता है। तो ऐसी स्थिति पर यहाँ पर पूरे भारत के बड़े बड़े संतों का आगमन जब हो रहा है तो निश्चित रूप से चर्चाएं बृहद होंगी। और जैसा मैंने कहा कि अभी वर्तमान में जो सबसे बड़ी बिंदु है वो राम मंदिर है और हम चाहते हैं, अखिल भारतीय संस्मृति चाहती है कि ऐसा भव्य मंदिर निर्माण हो कि दुनिया में ऐसा कोई दूसरा मंदिर ना हो और उसकी कई बिंदुओं पर चर्चा हो रही है, लेकिन साथ साथ हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर जितनी जनता है वो सबका उसमें सहभागिता प्राप्त हो, सब लोग कह सकें गर्व से कि हमने भी राम मंदिर में अपनी सहभागिता लगाई की थी। तो ऐसी स्थिति में ये सारी बिंदुएं हैं। आप देख रहे हैं बीबीएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।